भारतीय रक्षा मंत्रालय रूस से इंडियन नेवी के लिए 4 किरुवाक तृतीय श्रेणी के फ्रिगेट खरीदने वाली है, जिन्हें ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। यह फ्रिगेट दुनिया के सबसे भारी फ्रिगेट होंगे, जिनका वजन 4000 टन होगा। डीएसई ने पहले 2 किरुवाक तृतीय श्रेणी के फ्रिगेट के लिए 1135 करोड़ के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 2 फ्रिगेट को रूस से खरीदा जाएगा और 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत किया जाएगा। एमओडी का कहना है कि कैबिनेट कमेटी ने अक्टूबर 2018 में 4 फ्रिगेट की खरीद को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि 2 फ्रिगेट की कीमत पर भारत और रूस के बीच सहमति बन गई है और 2 फ्रिगेट के निर्माण पर फिलहाल बातचीत चल रही है। दोस्तों, अगला अपडेट इंडियन आर्मी को लेकर है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना ने रविवार को नौगाम सेक्टर में LOC के पास बैट कमांडो की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने LOC के पास घने जंगल का प्रयोग करके LOC पार करने का प्रयास किया और पाकिस्तान सैनिकों ने उनकी मदद करने के लिए मोर्टार और लॉन्चर का प्रयोग किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना के सैनिकों ने घने जंगलों में लंबे समय तक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 2 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया गया और 2 पाकिस्तानी सैनिक प्रतिकूल मौसम का लाभ उठाते हुए LOC रेखा के पार भागने में सफल रहे। घुसपैठियों के पास से ID, विस्फोटक हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सेना के अधिकारियों ने भारतीय सेना की सराहना की और कहा, भारतीय सेना पाकिस्तान के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। दोस्तों, अगला अपडेट इसरो को लेकर है। इसरो 27 नवंबर को आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा से अपने सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट से 14 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने वाली है। इन 4 उपग्रहों में एक उपग्रह भारत का है, जिसका नाम CATOSAT-3 है, जिसका वेट 1625 किलोग्राम है, जबकि 13 नैनो उपग्रह अमेरिका के हैं। अपनी उड़ान के लगभग 17 मिनट बाद PSLV पहले CATOSAT-3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, जिसका मिशन 5 साल का है। आपको बता दें कि CATOSAT-3 एक तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है, जिसमें उच्च क्वालिटी का कैमरा लगाया गया है। लगभग 18 मिनट बाद PSLV अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। दोस्तों, अगला अपडेट भारतीय रक्षा मंत्रालय को लेकर। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सैनिक और हथियारों की तेज आवाजाही के लिए चीन सीमा पर सड़कों का नेटवर्क बनाने के लिए एक परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार है। सुरक्षा कैबिनेट समिति ने 1999 में रक्षा मंत्रालय के तहत BRO द्वारा इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को पूरा होने के लिए 2003 से 2006 का समय रखा गया था, परंतु बाद में इसे बढ़ाकर 2012 कर दिया गया था। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने पहले चरण में 3,346 किलोमीटर की भारत और चीन के साथ 61 सड़कों के निर्माण की योजना बनाई थी। इनमें से 36 सड़क 1260 किलोमीटर का निर्माण किया गया है, जबकि 20 अन्य 2035 किलोमीटर लंबी सड़कों का परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।